इट इज द एनर्जी पोसेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बात खत्म. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल जीरो, ये रेस्ट पे पड़ी हुई थी, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो ऑब्वियसली किसी ने तो फोर्स लगाई होगी ना, तो आपने इस पे फोर्स लगाई और ये बॉडी आगे चली गई, ठीक है. और आपने फोर्स क्या लगाई, कांस्टेंट फोर्स लगाई, आपने फोर्स को चेंज नहीं किया, इट्स अ कांस्टेंट. और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर ली, एस. आप अगर मुझे ये कहें कि वर्क डन बताएं कि बॉडी ने एस डिस्प्लेसमेंट कवर की तो वर्क डन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एफ इंटू एस. क्यों, क्योंकि मैंने बोला फोर्स इज अ कांस्टेंट, फोर्स इज अ कांस्टेंट, तो आप एफ इंटू एस कर दें. पर क्योंकि आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो इंटीग्रेशन वाला थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है अगर स्कूल में आए, तो कैसे करना है ये, आप ऐसे करेंगे कि u इनिशियल वेलोसिटी है और a एक्सेलेरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है और v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो मान ले s की जगह ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये बॉडी क्या करेगी, f ds cos 0, क्योंकि फोर्स कहाँ है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, राइट, एंगल उनके बीच में क्या है, जीरो. तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या है, dv बाय dt, कर सकते हैं. इस पूरी टर्म को उठा के यहां पुट किया तो f की जगह m dv बाय dt इनटू ds, cos 0 तो 1 होता है, लेकिन यहां पर ds बाय dt क्या होती है, वेलोसिटी v, तो क्या बन गया, m इनटू v इनटू dv. तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी बॉडी की यहां पर, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की लिमिट्स लगेंगी. तो वेलोसिटी की लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल बॉडी की वेलोसिटी क्या है, जीरो, और बाद में क्या है, वी. तो जीरो पे कोई वर्क डन नहीं हुआ था और बाद में वर्क डन डब्ल्यू हो गया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी स्क्वायर बाय टू. एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो ये आपके पास टर्म आ गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर आंसर आ गया. तो जो भी आपने वर्क डन किया वो इस बॉडी में किस फॉर्म में दिखेगा आपको, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कुछ भी नहीं किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एफ इज एम इन टू ए, ए इज डी वी बाई डी टी, पुट किया डी एस बाई डी टी, वी हो गया, लिमिट्स लगाई, आंसर. और इंटीग्रेशन का जब आपको याद होगा, मैं कैलकुलस करवाया करता था, मैं ऐसे न्यूमेरिकल देता था, ये इंटीग्रेशन करके दिखाओ, यू से आपको टेस्ट में भी दिया था, एक्चुअल में मुझे पता था कि एनर्जीज के अंदर काम आएंगी. तो इंटीग्रेशन कैसे हेल्प कर रही है समझ में आ रहा है. अब ये फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा. क्या रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. इस रिजल्ट को अगर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करें कोई फर्क पड़ता नहीं है. न्यूमिनेटर क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि mv का होल स्क्वायर, लेकिन mv क्या होता है, मोमेंटम p, तो क्या बना, p स्क्वायर बाय 2m. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या तो हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर बाय 2m कोई भी यूज होगा न्यूमेरिकल में, और अंडर इसको स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के. तो प्लीज ये नोट कर लें, फॉर्मूला रजिस्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत काम भी आएगा.